मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। विकल्प बहुत पर संकल्प है एक, विकल्प बहुत पर संकल्प है एक। कमल निशान और नियत नेक। मंच पर विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, केंद्र सरकार में परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी, केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री आदरणीय श्री अजय टमटा जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, शिमला से हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री वीरेंद्र कश्यप जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय श्री पवन राणा जी, स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जिला अध्यक्ष जिला सरमौर और भारतीय जनता पार्टी के पौंटा से प्रत्याशी आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी, विधायक एवं प्रत्याशी शिलाई क्षेत्र श्री बलदेव सिंह तोमर जी, विधायक एवं प्रत्याशी पच्छाद क्षेत्र आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, प्रत्याशी श्री रेणुका जी निर्वाचन क्षेत्र श्री बलबीर सिंह चौहान जी, प्रत्याशी दून निर्वाचन क्षेत्र सरदार परमजीत सिंह पम्मी जी, प्रत्याशी सोलन निर्वाचन क्षेत्र डॉक्टर राजेश कश्यप जी। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रदेश जिला और मंडलों के सभी प्रमुख नेतागण, उपस्थित पत्रकार मित्रों, मेरे बहुत आदर के योग्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य माताओं बहनों बेटी और नौजवान साथियों, आज हमारा सरमौर निवासियों का परम सौभाग्य है कि जिस शख्सियत को, जिस नेता को हम दूरदर्शन के माध्यम से देखते आए हैं, हम रेडियो के माध्यम से सुनते आए हैं और अखबारों के माध्यम से पढ़ते आए, वो आज हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इससे पहले कि माननीय नेता हमारा मार्गदर्शन करे, मैं सीधे माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारा हिमाचली टोपी पहना करके उनका अतिथि सत्कार करे माननीय नड्डा जी। मेरा निवेदन है हमारे चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी से कि वो कृपया सिरमौर का जो परंपरागत लोहिया है उसको पहना करके माननीय मोदी जी का अतिथि सत्कार करें। मेरा निवेदन है यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी से कि वो गुलबंद पहना करके उनका स्वागत करें। और मैं सीधे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अब सभी जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बड़ी पुष्प की माला माननीय मोदी जी को समर्पित करेंगे हमारे जितने भी यहाँ पर उपस्थित सभी प्रत्याशी हैं। धन्यवाद। मैं सीधे, समय का अभाव है माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी कार्यक्रमों में जाना है, मैं सीधे माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा आप सबका मार्गदर्शन करे और माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन पर स्वागत करे माननीय नड्डा जी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व की शख्सियत आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी जो हमारे चुनाव प्रभारी भी हैं, भारत सरकार में ही मंत्री श्री अजय टमटा जी,
हमारे सांसद श्री वीरेंद्र कश्यप जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशीगण और यहां इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं दूर दूर तक और वहां सड़क पर भी लोग यहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आप सब की ओर से मां रेणुका के आंचल में भगवान परशुराम जी की भूमि पर आदरणीय मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब लोग आदरणीय मोदी जी को सुनने के लिए अपने प्रिय नेता के मार्गदर्शन हेतु 11 बजे से यहां पर आकर के बैठे हैं। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आपने देश को प्रगति के पथ पर आपके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और एक छलांग लगाता हुआ दुनिया में आगे बढ़ने वाला देश 3 साल के अंदर दिखा है, उसकी किरणें हिमाचल प्रदेश में भी तीव्र गति से पड़ी हैं और आपके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को भी बहुत बड़ी बड़ी सौगातें आपने विशेष पैकेज के रूप में दिया है। फिर चाहे वो स्पेशल पैकेज के तहत जहां अन्य प्रदेशों को विकास के लिए केंद्र का 60% मिलता है और प्रदेश को 40% देना पड़ता है, वहां आपने हिमाचल को विशेष प्रेम दिखाते हुए केंद्र का 90% आपने हिस्सा दिया और मात्र 10% प्रदेश को देना पड़ा। इस तरीके के विकास का काम आपने हमारे लिए किया है। उसी तरीके से जो अटल जी के समय का इकोनॉमिक पैकेज यूपीए ने रोक दिया था, वह पैकेज भी आपने पुनर्स्थापित करके इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पैकेज के तहत 2017 से लेकर 2027 तक हिमाचल प्रदेश को विशेष प्यार देते हुए इस काम को किया है। यहां 71 नेशनल हाईवे दिए, 9 नेशनल हाईवे तो आपने सिरमौर की धरती पर दिया है। अब समय आ गया है जब सिरमौर की धरती इसके दृष्टि से इस कार्य के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने प्यार हम लोगों को दिया है, उस प्यार के बदले धन्यवाद के रूप में यहां से 5 की 5 सीटें जीत करके हम सौगात के रूप में देंगे, इस बात का हमको कार्य करना है। और दूसरा, आदरणीय धूमल जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में 2/3 से ज्यादा मतों से और विधायकों की संख्या से जीतना है, ताकि जो मोदी जी ने पैकेज दिया है उस पैकेज को हिमाचल की धरती पर प्रेम कुमार धूमल जी उतार सके और हिमाचल की तकदीर और तस्वीर बदल सके। मुझे पूरा विश्वास है कि हम आदरणीय मोदी जी के बताए रास्ते पर चलेंगे, पूरी ताकत के साथ सभी सीटें जीतेंगे और इस इलाके को जो विकास के दृष्टि से एक अभियान, एक कार्यक्रम, एक दिशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष प्यार दिया है, उसको हम साकार करते हुए उसको हम जमीनी स्तर पर उतारेंगे। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, आप सब की ओर से अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हिमाचल प्रदेश में धूमल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 मेजॉरिटी से बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। माननीय नड्डा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो घड़ी जिसका बड़ा बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं, वो घड़ी समाप्त होती है। मैं सीधे बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से कि वो हमारा मार्गदर्शन करें।
आदरणीय श्री मोदी जी। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, श्रीमान अजय टमटा जी, श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हमारे सांसद श्री वीरेंद्र कश्यप जी, श्रीमान चंद्रमोहन जी, और इस चुनाव में नाहन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव बिंदल जी, राजीव इधर आ जाइए, श्री सुखराम चौधरी जी, श्रीमान बलदेव तोमर जी, श्रीमान सुरेश कश्यप जी, श्री बलबीर चौहान जी, श्रीमान परमजीत सिंह जी, श्री राजेश कश्यप जी, और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं समझता हूं धौला कुआ के इस मैदान में ये आखिरी सभा है। अगले चुनाव में ये मैदान नहीं होगा। यह मैदान कुछ ही वर्षों में हिमाचल के सपनों का एक राजमहल यहां नजर आने लगेगा। इसी जगह पर IIM बनने वाला है और हिमाचल के रोहनहार नौजवान इस IIM से निकल करके भारत के भाग्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देंगे। ऐसी इस धरती का महात्मा आने वाले दिनों में बनने वाला है और मुझे खुशी है कि मुझे आज उस धौला कुआं की महत्वपूर्ण धरती पर हिमाचल के भाग्य का खाका खींचने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, चुनाव तो लोकतंत्र का एक उत्सव होता है। और उत्सव में जनता जनार्दन को राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी बात बताते हैं और जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। बहुत कम चुनाव ऐसे होते हैं जहां चुनाव प्रारंभ होने से पहले ही जनता परिणाम तय कर लेती है।
हिमाचल का ये चुनाव ऐसा है कि जहां कांग्रेस को भी पता है अब सुपड़ा साफ और जनता को भी पता है कि बीजेपी की सरकार बनना तय है। अठारह दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मेजॉरिटी के साथ प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। इस बार का हिमाचल का विजय अभूतपूर्व विजय होगा। अब तक के चुनावों में किसी भी दल को जितना बहुमत नहीं मिला है उससे ज्यादा बहुमत, उससे ज्यादा वोट, उसके साथ विकास का संकल्प लेकर के यहां पर चुनाव के नतीजे आना निश्चित है। आज हिमाचल में किसी को भी पूछिए, बहुत साल पहले भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सरकार बनाने का अवसर मिला। उस समय के जो लोग हैं उनको आज भी पूछोगे कि भाई पहली बीजेपी की सरकार बनी तब मुख्यमंत्री कौन थे, वो गर्व से कहेगा भाई शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे। और पूछोगे भाई बताओ शांता कुमार की सरकार की पहचान क्या थी, तो हर हिमाचल की मां बहन कहेगी कि भाई पानी पहुंचाने का अद्भुत काम शांता जी करके गए, जो पानी आज भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर रहा है। पानी वाली सरकार, पानी वाले मुख्यमंत्री, ये शांता कुमार की सरकार की पहचान थी। जब धूमल जी की सरकार बनी किसी को भी पूछा जाए जम्मू कश्मीर की स्थिति खराब होती चली गई थी, ये धूमल जी का नेतृत्व था, दीर्घदृष्टा था कि उन्होंने पर्यटन को, टूरिज्म को हिमाचल की तरफ खींच लिया और हिमाचल एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन धूमल जी के कार्यकाल में बना। धूमल जी को भी दूसरा बार मौका मिला और जब दूसरी बार मौका मिला तो धूमल जी ने यहां की भावी पीढ़ी की चिंता की, सरकार की पहचान शिक्षा को समर्पित सरकार के रूप में जानी गई। इंडिया टुडे जैसे जब सर्वे करते थे हिमाचल को नंबर एक देते थे, नंबर एक देते थे। लेकिन भाइयों बहनों मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये वर्तमान की सरकार, श्रीमान वीरभद्र जी की सरकार, वैसे वीरभद्र जी तो जमानत पे हैं, हिमाचल के किसी भी व्यक्ति को पूछा जाए, बच्चों को पूछा जाए कि भाई शांता जी की सरकार की पहचान थी पानी देना, धूमल जी की पहली सरकार की पहचान थी टूरिज्म बढ़ाना, धूमल जी की दूसरी सरकार की पहचान थी शिक्षा को बढ़ावा देना, वीरभद्र सिंह सरकार की क्या पहचान है, क्या पहचान है, क्या पहचान है, क्या पहचान है, क्या पहचान है?
ये सरकार कैसी है, ये पार्टी कैसी है, ये नेता कैसे हैं। भाइयों बहनों, हर सवाल का एक ही जवाब, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आप मुझे बताइए जी, ये भ्रष्टाचार के पैसे किसके हैं, ये किसके पैसे लूटे जा रहे हैं, किसके पैसे लूटे जा रहे हैं, ये पैसे आपके हक के हैं कि नहीं है, हिमाचल की जनता के अधिकार के हैं कि नहीं है, हिमाचल के गरीब लोगों के पास हैं कि नहीं है, उस पाई पाई का उपयोग प्रजा के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हिमाचल का भाग्य बदलने के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन पैसे उनके डिब्बों में बंद हो गए भाई। छोटा सा राज्य, सीमित संसाधन, और उसमें भी अगर लुटेरे लूट चलाते रहे तो क्या बचेगा मेरे भाइयों बहनों, क्या बचेगा। और इसलिए हमारा संकल्प है, हम हिमाचल को एक ऐसी सरकार देंगे जिसके खजाने पर किसी का भी पंजा पड़ने नहीं देंगे। अब कोई पंजा हिमाचल के खजाने पर डाका नहीं डाल सकता है भाई। और इसलिए, और ऐसा नहीं है कि देश को भ्रष्टाचार से बचाया नहीं जा सकता, और कभी कभी बड़े बड़े भ्रष्टाचार तो चर्चा में आते हैं लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में सामान्य मानवी की मजबूरी का फायदा उठा करके जो भ्रष्टाचार किया जाता है, सामान्य नागरिकों को लूटा जाता है, सरकारी खजानों में से निकाल लिया जाता है, उसको तो ढूंढते ढूंढते भी दम उखड़ जाता है। इतनी ये दीमक की तरह ये बीमारी हमारे यहां पहुंच चुकी है। और इसलिए जड़ों से भ्रष्टाचार रूपी दीमक को खत्म करने का हमने बीड़ा उठाया है। भारत सरकार में सरकार के जो लाभ गरीबों को मिलते हैं, गरीबों का हक क्या होता है, कई बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होती है, कई मिड डे मील के पैसे होते हैं, कहीं बुजुर्गों के लिए पेंशन होता है, कहीं दिव्यांगों के लिए पेंशन होता है। आप हैरान होंगे, रसीद कटती है 10,000 लोगों की, लेकिन सच्चे लोग होते हैं 5,000 6,000 4,000 लोगों की रसीद झूठी कटती है, हर महीने उनके नाम से पैसे निकलते हैं और पता ही नहीं चलता कहां चले जाते हैं। हमने आधार के साथ इसको जोड़ दिया, हमने बैंक खातों में सीधे पैसे पहुंचाने का चालू किया, और उसका परिणाम क्या है मालूम है, भूतिया लोग, भूतिया गोस्ट, जिनका जन्म ही नहीं हुआ, ऐसी बेटियां सरकार की सूची में विधवा हो चुकी है और उसके नाम से विधवा पैसे जा रहे हैं, बेटी का जन्म ही नहीं हुआ है,
जब आधार से लिंक किया गया, बैंकों में पैसा जमा करना तय किया, आप हैरान होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक साल में 57,000 करोड़ रुपया जो चोरी होता था वो बंद हो गया और जिसके हक का था उसको मिलने लग गया। और कभी इन 57,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की न अखबार में चर्चा थी, न विधानसभा में चर्चा थी, न बस में चर्चा थी, न दुकान पे चर्चा थी, न रेल में चर्चा थी, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें चली जाती थी, पता तक नहीं चलता था। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, पक्के मकसद के साथ आगे बढ़े और उसका परिणाम ही आया, 57,000 करोड़ रुपया हर साल। और अभी तो काम चालू है, पता नहीं कहां जाकर के रुकेगा। आपको हैरानी होती होगी कि मोदी इतना काम करता है, सुबह शाम दौड़ता है, कभी छुट्टी नहीं लेता है, खुद के लिए कुछ करता नहीं है, तो भी मोदी का इतना विरोध क्यों होता है? आपके मन में सवाल होता है कि नहीं होता है? इतना काम करता है प्रधानमंत्री, लेकिन उसका विरोध क्यों होता है? इस पर इनका आरोप क्यों होता है? लोग इन पर गुस्सा क्यों करते हैं? कुछ लोग उन पर गालियां क्यों देते हैं? अब मुझे बताइए, जिनको अब तक ये मुफ्त में मुलाई खाने को मिल रही थी, जिनके जेब में 57,000 करोड़ रुपया हर साल जाता था, अब ये बंद हो गया तो क्या वो मोदी को माला पहनाएगा क्या? क्या वो मोदी का जय जयकार करेगा क्या? चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? चीखेगा कि नहीं चीखेगा? मोदी जितना जल्दी जाए उतना अच्छा होगा, ऐसे रोज दिए जलाएगा कि नहीं जलाएगा? भाइयों बहनों, मैं भी तो हिमाचल का पानी पी करके बड़ा हुआ हूं, मैंने भी इस मिट्टी का नमक खाया है। हिमाचल का वीर जवान कभी सीमा पर पीछे नहीं हटता है तो उन्हीं के बीच पला बड़ा मोदी कैसे पीछे हट सकता है? और इसलिए भाइयों बहनों, जिनको जितना चिल्लाना है चिल्लाते रहे। पिछले साल 8 नवंबर को याद है, 8 नवंबर याद रह गया, रात को 12 बजे 1,000 की नोट गई, 500 की नोट गई, आप सब तो भूल भी गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी रो रहे हैं, नोटबंदी की, मोदी ने नोटबंदी की, मोदी ने नोटबंदी की। क्यों रो रहे हैं भाई? एक साल के बाद भी क्यों रो रहे हैं कुछ लोग? क्योंकि उनका सारा खजाना लूट गया और इसलिए अभी भी वो रोते रहते हैं, मोदी ने नोटबंदी की, नोटबंदी की, नोटबंदी की। भाइयों बहनों, जो लोग घर में बोरियां भर भर के नोटे रखते थे, वो नोटों को बैंक में आना पड़ा। पहले उन नोटों का पता नहीं था, रिजर्व बैंक से गई तो गई लेकिन कहां गई, किसके यहां पड़ी है, हिसाब की है कि बेनामी है, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। ये नोटबंदी कर दी
एक एक नोट का अता पता चल गया, बैंकों में जमा हो गया और ये पक्का हो गया कि इसका मालिक कौन है। अब मोदी पीछे लग गया। कुछ लोगों को लगता था कि बैंक में जमा कर दिया बस हो गया काम, लेकिन काम हुआ नहीं, काम तमाम हो गया। 3 लाख कंपनियां हिमाचल के, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप खुश हो जाओगे, खुश। 3 लाख कंपनियां, ये बैंकों से जब हमने पीछा किया ये कहां से आया, 3 लाख कंपनियां ऐसी हाथ में आई हैं कि जिनका कोई कारोबार नहीं था। एक ऑफिस में 10-10 कंपनी, 50-50 कंपनी, 200-200 कंपनियां, और सिर्फ कागज में पैसे आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। कुछ कंपनियां तो ऐसी हाथ लगी, एड्रेस एक, 3 चेयर रख सके हो इतनी जगह, लेकिन उस कंपनी के बैंक अकाउंट 1000। कैसे काले कारोबार किए होंगे, और सरकार में बैठे हुए लोगों ने भी इनकी कितनी मदद की होगी। मेरे प्यारे हिमाचल के नौजवानों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, 3 लाख कंपनियों। ये काले काम करते थे, काले धन को संभालते थे, काले धन को पहुंचाते थे, 3 लाख कंपनी, उनके अकाउंट बंद कर दिए। और अभी तो उसमें से मैंने जो डाटा का माइनिंग करते हैं, एक एक आंकड़ों का बराबर जोड़ तोड़ करके पूरी लिंक लगाते हैं, इस बैंक में इतना था, वहां से इस बैंक में गया, वहां से इस बैंक में गया, 100-100 बैंकों में ऐसे कुत्ते 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 पैसे गए, उस सबको 5000 बैंकों का अभी तक हो जाए, अभी 3 लाख है, 5000 का। और इन 5000 खातों में से 4000 करोड़ रुपयों का कारोबार हाथ लगाए, 4000। अगर 5000 कंपनियों में 4000 करोड़ का गड़बड़ नजर आता है, जिस दिन 3 लाख का पूरा हिसाब निकालूंगा, पता नहीं क्या क्या निकलेगा, किसका किसका कच्चा चिट्ठा निकलेगा, कौन कौन फंसेगा, और कोई बचने वाला नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मेरा संकल्प है, जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें देश को लौटाना ही पड़ेगा। भाइयों बहनों, अब कांग्रेस पार्टी से देश कोई अपेक्षा नहीं कर सकता, कोई आशा नहीं कर सकता जी। ये दल अपने आप एक नॉन सीरियस जमावड़ा बन गया है, एक प्रकार से एक लाफिंग क्लब बन गया है, लाफिंग क्लब। उनको पता ही नहीं क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कहां बोलना चाहिए, कुछ पता ही नहीं चलता है। आप मुझे बताइए, इस देश का कोई भी नागरिक कभी भी हमारे देश की सेना के पराक्रम पर प्रश्न करता है क्या? करता है क्या? कोई करता है क्या? हिमाचल के लोग तो जवानों को भली भांति जानते हैं, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिस परिवार में कोई वीर जवान न हो, ऐसा मेरा हिमाचल है। वाह, सारे यहां बैठे हैं भाई, आप सबको सैल्यूट। भाइयों बहनों, हिमाचल में कोई सेना के जवानों के प्रति सवाल सोच नहीं सकता, हिंदुस्तान में कोई सोच नहीं सकता है।
लेकिन जब हमारी देश की सेना ने पराक्रम किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाकर के उनको सब कुछ याद करा दिया, उनको पता नहीं चला गोलियां कहां से चल रही है, उन्हें पता नहीं चला अंधेरे में कौन आया, उन्हें पता नहीं चला बच करके जाएंगे तो किस कोने में जाएंगे, और हमारे वीर जवानों ने उनके घर में घुस करके आतंकवादियों को मौत के घाट उतार करके सारे के सारे सुबह सूरज उगने से पहले हिंदुस्तान वापस लौट आए। भाई, जब देश ने सर्जिकल स्ट्राइक का सुना, हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया। सेना के निवृत्त जवान मुझे मिले, उन्होंने कहा साहब आपने तो हमारी जिंदगी को चार चांद लगा दिए। निवृत्त लोग, मैं एक बार दिवाली मनाने के लिए आपके हिमाचल प्रदेश में ही पिछले साल यहां आया था सेना के जवानों के पास, तो उसमें एक बड़ी आयु के सेना के जवान मिले। उन्होंने कहा जी मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा क्या? बोले मैं रिटायर्ड होने वाला हूं, अब कुछ ही मेरे महीने बाकी हैं। आम तौर पर कोई रिटायर्ड होने वाला हो तो वो क्या कहता है कि साहब अब मुझे मेरी ट्रांसफर करो, कहीं हेडक्वार्टर पर ले जाओ, परिवार के साथ रहूं ताकि आगे की व्यवस्था मुझे करनी है, बेटी बड़ी हुई है, शादी तय करनी है, मकान बनाना है। मुझे एक बड़ी आयु के जवान मिले, वो मेरे पास आए कि मेरा एक काम करिए प्रधानमंत्री जी। मैंने कहा क्या जी? मैं हिमाचल के सीमा पर की बात कर रहा हूं, पिछली दिवाली मैंने यहां मनाई थी सरहद पर, तो मुझे लगा शायद कुछ काम होगा अपना व्यक्तिगत। उन्होंने कहा देखिए साहब अब मेरा बहुत कम समय बचा है, मैं निवृत्त हो जाऊंगा, तो मुझे लगा कि शायद वो ट्रांसफर के लिए कहते होंगे। उन्होंने कहा मुझे मेरा पोस्टिंग ऐसी जगह पे कीजिए कि मुझे देश के लिए लड़ने का अवसर मिलना चाहिए, मुझे यहां नहीं कहीं ले जाइए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे देश का वीर जवान अब रिटायर की अवस्था पर पहुंचा हुआ है, वो कहता है ऐसे रिटायर नहीं होना है, दो चार को लेकर के आना है, मुझे वहां भेज दीजिए। भाइयों बहनों, जिस देश की फौज, जिस देश का जवान, जिस हिमाचल का हर बेटा मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए ललक लेकर के बैठा हो, पराक्रम करता हो, सर्जिकल स्ट्राइक, सारी दुनिया चौंक गई थी, एक अकेली कांग्रेस पार्टी सवाल लगाया सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था क्या, कब हुआ था, कितने लोग गए थे, किसी को गोली क्यों नहीं लगी, सब लोग जिंदा कैसे, अब बोलो उनको जिंदा वापिस आए इसका भी दुख, नाना मेरे जवान जिंदा वापिस आए उसका भी दुख। और फिर पाकिस्तान ने जो बयान दिया उसका हवाला देने लगे, क्या यह देश पाकिस्तान जो कहेगा वो मानेगा कि मेरे देश के जवान की गोली बोलेगी उसको सुनेगा जी? और इसलिए मैं कहता हूं कि पार्टी पूरी तरह सोचने का सामर्थ्य खो चुकी है, देश की चिंता नहीं है, देश के सामान्य मानवी से जुड़े हुई बातों के उनका कोई लगाव नहीं है जी। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी सरकार हिमाचल में, और मुझे विश्वास है कांग्रेस का जाना तय है, आपको भी पता है पूरे देश को भी पता है, लेकिन
ऐसी सजा करो, ऐसी सजा करो कि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी कार्यकर्ता को ऐसे गलत रास्तों पर चलने की हिम्मत ना हो। ये चुनाव इसलिए लड़ना चाहिए, बुरे काम करने की किसी को आदत ना हो, ऐसा सबक सिखाने के लिए चुनाव है। और कांग्रेस वादे करना, झूठ बोलना, हर किसी को आंख में धूल झोंकना, इसमें इनकी मास्टरी है, बड़ी गजब की मास्टरी। पीएचडी किया है इन्होंने, ऐसे ही कामों में पीएचडी किया है उन्होंने, और उनको पीएचडी देने वाली लोग भी ऐसे ही हैं। आप मुझे बताइए साहब, मैं जब प्रधानमंत्री बना, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा था, तो मैंने मंडी की सभा में घोषणा की थी वन रैंक वन पेंशन की। उस समय मैं भी भावुक था, मेरे मन में था भाई हमारे देश के जवानों का 40 साल से लटका सवाल है, हमने उसका रास्ता निकालना चाहिए। और मैंने कोई ज्यादा अध्ययन नहीं किया था, मैंने कहा करना चाहिए। जब मैं प्रधानमंत्री बना और उसकी बारीकी देखने लगा, मैं हैरान था, कांग्रेस पार्टी ने देश के जवानों के आंख में ऐसी धूल झोंकी थी, ऐसी पार्टी को कभी माफ नहीं करना चाहिए। फाइल पे कोई काम ही नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कभी किसी को सुना नहीं, किसी को कहा नहीं, और किया क्या, 500 करोड़ रुपया बजट में लिख दिया वन रैंक वन पेंशन के लिए, 500 करोड़ रुपया। अब कुछ लोगों को लगा होगा, फौज के लोगों को, चलो यार कांग्रेस वालों ने 500 करोड़ रुपया दिया, बजट में कम से कम लिख तो दिया, अब वन रैंक वन पेंशन आएगा, अब हम प्रधानमंत्री बन गए। मैंने कहा भाई मुझे काम करना है, जरा देखो, सरकार के पास कोई हिसाब किताब ही नहीं था, कितने पैसे लगेंगे, किस किस को पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कोई हिसाब नहीं था। एक साल लग गया मुझे उसका हिसाब किताब करने में, और तब मैंने पाया ये मामला 500 करोड़ का नहीं है, ये 12-14 हजार करोड़ रुपया होगा, तब जाकर के वन रैंक वन पेंशन लगेगा। ये कांग्रेस वालों ने फौज के आगे झूठ बोला है, सेना के जवानों के आगे झूठ बोला है। अब मेरे लिए भी संकट आ गया कि मैंने वादा तो कर दिया, ये 12-14 हजार करोड़ लाऊंगा कहां से, देश चलेगा कैसे, किस किस के काटेंगे। तो मैंने फौज के जवानों को बुलाया, निवृत्त लोगों को, मैंने कहा देखो भाई मुझे वन रैंक वन पेंशन देना है, लेकिन सरकार के पास एक साथ इतने पैसे निकालना मुश्किल है, आप मुझे रास्ता बताइए। मेरे देश के जवानों का बलिदान देखो दोस्तों, उनको सैल्यूट करने का मन कर जाता है जी। मेरे फौज के जवानों ने कहा कि साहब आप सिद्धांततः वन रैंक वन पेंशन स्वीकार कर लो, और अगर पैसे नहीं है तो किस्तों में देना, 2000-2500 करोड़ अभी, 2000-2500 कुछ महीनों के बाद, फिर 2000-2500। और उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है, मैंने अफसरों को बुलाया और मैंने कहा कि हम 4 किस्त में वन रैंक वन पेंशन देंगे, अब तक 3 किस्त दे चुके हैं, 8.5 हजार करोड़ रुपया फौज के निवृत्त लोगों के जेब में चले गए, और 4थी किस्त भी दे दी जाएगी। भाइयों बहनों, काम कैसे होता है, संकल्प लेकर के कैसे बढ़ा जाता है, ये हमने करके दिखाया। 500 करोड़ रुपया लेकर के बातें करते थे, आंख में धूल झोंकते थे, और आज कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। भाइयों बहनों, ये ऐसे लोग हैं
अभी कल आपने पढ़ा होगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत सरकार संस्थागत सुधार इतने तेजी से कर रही है, लोगों की भलाई के लिए, उनकी जिंदगी सरल करने के लिए इतनी तेजी से एक के बाद एक निर्णय कर रही है कि दुनिया के देशों में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, 190 देशों में हम 142 नंबर पे खड़े थे। 142 नंबर, हमारी सरकार ने एक के बाद एक निर्णय किए। वर्ल्ड बैंक ने इस बार कह दिया 142 में से 42 नंबर ऊपर जाकर के आज हम 100 नंबर पर आकर के खड़े हो गए। भाइयों, कल ही आया। अब वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी, दुनिया के हर देश को रिपोर्ट देते हैं, भारत का रिपोर्ट अच्छा आया, हर हिंदुस्तानी को आनंद होगा कि नहीं होगा भाई? 142 से 100 नंबर हिंदुस्तान पहुंचा, आपको खुशी हुई? जरा पूरी ताकत से बताएं, आपको आनंद हुआ, आपको खुशी हुई, आपको अच्छा लगा, देश का सम्मान बढ़ा, आपका सीना तनने लगा? कांग्रेस वालों को दुख हुआ, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने ये भारत का इतना बड़ा प्रगति पचा नहीं पा रहे हैं भाइयों। ऐसी नकारात्मकता, लोकतंत्र के विरुद्ध है ये भावना। और इसलिए भाइयों बहनों, अब कोई सोच सकता है कि धौला कुआं की जगह पर कभी आईएम बनेगा? कोई और सरकार होती सोच सकते साहब? और आप देख लीजिए, दिल्ली में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय जितना हिमाचल को लाभ हुआ है, दिल्ली की किसी सरकार में नहीं हुआ है। और अब फिर से एक बार मौका आया है कि दिल्ली में भी वो काम बैठा है जो कभी हिमाचल में जिंदगी गुजारता था, और हिमाचल में अब वो सरकार बनने वाली है जिसके साथ उसका सीधा जुड़ाव है। ये दो दो इंजन लग जाएंगे। अब हिमाचल का भाग्य बदलने के लिए एक दिल्ली का इंजन भी काम आएगा, और हिमाचल में 18 तारीख के बाद भाजपा का भी इंजन लग जाएगा। अगर दो इंजन लग जाएंगे, मेरा हिमाचल आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रगति होगी कि नहीं होगी? नौजवानों का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? किसानों का भला होगा कि नहीं होगा? हिमाचल का विकास होगा कि नहीं होगा? टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये मेरी देवभूमि फिर एक बार देवभूमि बनेगी कि नहीं बनेगी? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। अब देखिए, हमारा क्या सपना? बहुत सीधी सीधी बात लेके हम चलते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई। अब यहीं पर आपके नाहन में ही अस्पताल, और सिर्फ अस्पताल नहीं, मेडिकल कॉलेज बनाने का भी हमने निर्णय कर लिया है। कोई सोच सकता है? कोई एक जमाना था, यहीं से पहले मुख्यमंत्री बने थे, शायद उनके मुख्यमंत्री काल में जो हुआ होगा उससे अनेक गुना आज हम कर रहे हैं भाइयों। और इसलिए, क्योंकि हम विकास को हमारा धर्म मानते हैं, विकास को हमारी जिम्मेवारी मानते हैं, विकास को हम देश का भाग्य बदलने वाली जड़ी बूटी मानते हैं, विकास को हम हर समस्याओं को समाधान का उत्तम से उत्तम मार्ग मानते हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी
विकास के मार्ग पर ही आगे बढ़ना चाहती है और सारी समस्याओं का समाधान विकास के मार्ग पर ही होने वाला है। गरीब के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा विकास के द्वारा, किसान को अपनी पैदावार की कमाई भी होगी विकास के माध्यम से। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल का भाग्य बदलने के लिए एक सपना लेकर के आई है। आप 9 तारीख को बटन दबाकर सरकार तो बनाने ही वाले हैं, कमल खिलाने वाले हैं, भाजपा की सरकार भारी बहुमत से बनने वाली है, लेकिन सिर्फ सरकार बनाने के लिए हम काम नहीं करते। सरकार तो जनता बनाने वाली है, हम जनता के साथ मिलकर के भव्य दिव्य हिमाचल बनाने के लिए आज हम आपके साथ लगे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमारे हिमाचल में जब तक हमारी सरकार न बनी, किसी मध्यम वर्ग के परिवार को घर में गैस का चूल्हा अगर लाना है, गैस का सिलेंडर लेना है, तो मिलता था क्या? नेताओं की सिफारिश लगती थी, गैस कंपनियों को करप्शन करना पड़ता है, एमपी को, कोई एक जमाना था पार्लियामेंट के मेंबर को 25 कूपन मिलती थी ताकि वो एक साल में 25 लोगों को गैस सिलेंडर देने के लिए सिफारिश कर सके, 25 कूपन। और कुछ तो एमपी उस जमाने के ऐसे भी थे, वो कूपन भी काले बाजार में बेचते थे। ऐसी बुराइयां फैली थी। भाइयों बहनों, हमने आकर के निर्णय किया उज्ज्वला योजना, और हमने कहा हर गरीब परिवार के घर में हम गैस का चूल्हा पहुंचाएंगे, मुफ्त में कनेक्शन देंगे। आज मुझे खुशी है भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों में जो कल तक लकड़ी का चूल्हा जलाते थे, और एक मां जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं उस मां के शरीर में जाता है, एक दिन में 400 सिगरेट जितना धुआं अगर उस मां के शरीर में जाएगा तो वो मां, वो बच्चे, उनकी तबीयत का क्या हाल होगा, क्या कभी किसी ने सोचा है? और लकड़ी के चूल्हे कितना समय खा जाए, जंगलों से लकड़ी काट करके लानी पड़े, सूखी लकड़ी मिले या न मिले, गीली लकड़ी से गुजारा करना पड़े, बच्चों को समय पर स्कूल जाना हो तो खाना पकाना हो, कभी बच्चे की स्कूल छूट जाए, कभी बच्चे का खाना छूट जाए, ये जिंदगी मेरी गरीब माताएं बहनों को जीनी पड़ती थी। हमने फैसला लिया कि उज्ज्वला योजना से हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार को हम जाकर के खोजेंगे और उसको गैस का सिलेंडर देंगे। 3 करोड़ परिवारों तक पहुंच गए हैं, ये काम अभी भी चालू है, आने वाले दिनों में जिनको पहुंचाने उनको अभी पहुंचने वाला है। मां बहनों की कितनी बड़ी सेवा का काम हमने कर दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, एक ऐसी दिल्ली में सरकार है जो कार्य के प्रति समर्पित है, संकल्प लेकर के चलती है, और हिमाचल के साथ, और मैं मानता हूं भारत के टूरिज्म को बढ़ावा देने में हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। हमें यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक बनाना है, और भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के हिमाचल के साथ काम करना चाहता है। और इसलिए मैं आपसे आज आग्रह करने आया हूं,
9 तारीख को पहले मतदान बाद में जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, ठंड हो जाए तो भी सुबह तुरंत लाइन लगा करके मतदान करें, कमल निशान पर बटन दबाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और हिमाचल का भाग्य बनाए, इसी एक आशा अपेक्षा के साथ मेरे साथ मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, ऐसा नहीं पूरा ताकत लगाइए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मोदी जी, आपके मार्गदर्शन से हम अत्यंत उत्साहित है, अत्यंत अभिभूत है। यहां पर उमड़ा यह जनसैलाब आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता है, बार बार आपका आभार व्यक्त करता है और विश्वास दिलाता है कि हम आपके बताए मार्ग पर चलकर अब 50 प्लस से नहीं 60 प्लस से हिमाचल में भाजपा की धूमल सरकार बनाएंगे। हम धन्यवादी है सभी नेताओं के जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन